आप अपने माँ बाप की जो कर्म है उसके ऊपर आप लोग शर्मिंदा मत होइए। बहुत बार इस 21वीं सदी में हम लोग रह के हम लोग अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, अच्छा मोबाइल ले लेते हैं, अच्छा जूता पहन लेते हैं, अच्छा जीन्स और टी शर्ट पहन लेते हैं और बहुत बार अपने दोस्तों और अपने लोगों के सामने हमारे माँ बाप किसान हैं या हमारे माँ बाप इलेक्ट्रिशियन हैं ये बोलने के लिए आप लोग गर्वान महसूस नहीं करते हैं। वो आप खुद के लिए वो कमी का वजह बनेगा। आपका माँ बाप आपका गुरु है, आपके परिवार आपका ताकत और सामर्थ्य है। अगर आपके घर में अच्छा कुर्सी भी नहीं है तब भी अपने दोस्तों के लाइए, सही तरीका से लाइए, माँ बाप को दिखाइए, आप उन लोगों के साथ बैठिए और आप गर्वान महसूस करिए। क्योंकि हमारे जिंदगी में भी ऐसा हुआ था, कल बनाने के लिए आज को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। और कल जब आप उस स्थान में खड़ा होगा और उस मंच में खड़ा होके लोग बोलेगा हमारे ये भाई या बहन इतना बड़ा पहुंच गया, उस दिन आपको ये भी गर्वान महसूस करना पड़ेगा कि आपके माँ बाप ने, आपके परिवार ने, उन्होंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। आप अपने माँ बाप की जो कर्म है उसके ऊपर आप लोग शर्मिंदा मत होइए। बहुत बार इस 21वीं सदी में हम लोग रह के हम लोग अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, अच्छा मोबाइल ले लेते हैं, अच्छा जूता पहन लेते हैं, अच्छा जीन्स और टी शर्ट पहन लेते हैं और बहुत बार अपने दोस्तों और अपने लोगों के सामने हमारे माँ बाप किसान हैं या हमारे माँ बाप इलेक्ट्रिशियन हैं ये बोलने के लिए आप लोग गर्वान महसूस नहीं करते हैं। वो आप खुद के लिए वो कमी का वजह बनेगा। आपका माँ बाप आपका गुरु है, आपके परिवार आपका ताकत और सामर्थ्य है। अगर आपके घर में अच्छा कुर्सी भी नहीं है तब भी अपने दोस्तों के लाइए, सही तरीका से लाइए, माँ बाप को दिखाइए, आप उन लोगों के साथ बैठिए और आप गर्वान महसूस करिए। क्योंकि हमारे जिंदगी में भी ऐसा हुआ था, कल बनाने के लिए आज को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। और कल जब आप उस स्थान में खड़ा होगा और उस मंच में खड़ा होके लोग बोलेगा हमारे ये भाई या बहन इतना बड़ा पहुंच गया, उस दिन आपको ये भी गर्वान महसूस करना पड़ेगा कि आपके माँ बाप ने, आपके परिवार ने, उन्होंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। धन्यवाद।